हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वे रावण के पुत्र का वध कर सकते थे, लंका को जला सकते थे, तो सीता जी को तो उसी समय लेके क्यों नहीं आए? ये भी जल्दी में युद्ध की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात है भाई। पहली बात तो हनुमान अद्भुत हैं। किसी भी संगठन में काम करो, किसी नौकरी में काम करो, इस बात का ध्यान रखना कि उसके कारण तुम हो। तुम्हारे कारण तो है ही, पर उसके कारण भी तुम हो। मैं देखता हूं लोग मिलते हैं कि आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, देन आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम हार्वर्ड, देन वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ये आखिरी बात सबसे अच्छी है, बाकी सब तो ठीक ही थी। हनुमान इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हैं सेवकों में अग्रगण्य, क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते कि मैं कौन हूं, वो कहते हैं कि मेरी टोटल औकात ये है कि मैं इनका चेला हूं, इनका काम करता हूं। और महर्षि भी उनका परिचय देते हुए यही लिखते हैं कि इतने सारे गुण हैं, इतनी डिग्रियां, लेकिन अंत में क्या है, इनके हैं दूत, मनोजवम, मन की गति से चलते हैं, मारुततुल्य वेगम, पवन के हिसाब से चलते हैं, जितेंद्रियम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, है ना, वानर यूथ मुख्यम, वानरों के यूथ के मुखिया हैं, ये सारी डिग्री है। और आखिर में क्या है, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, मैं श्री राम का दूत हूं। जब वो माता सीता से मिलने गए तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वेल आई एम फ्रॉम, नहीं बोल सकते थे, पंच तत्वों में से एक पवन के बेटे हैं वो, मां अंजनी के पुत्र हैं वो, भगवान शंकर के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा उनके गुरु हैं, इंद्र ने वरदान दिया कि तू पानी में नहीं डूबेगा बचपन में, अग्नि ने वरदान दिया कि तुझे कोई आग जला नहीं पाएगी। ऐसा अद्भुत तेजस्वी आदमी ये नहीं कह रहा कि मैं ये हूं। क्या अद्भुत पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है, मेरे अंदर से हिलोर उठती है, आपके अंदर भी उठेगी। एक ही परिचय, मां ने पूछा कि तू कौन है, एक ही लाइन का परिचय, राम दूत में मात जानकी। माता मेरा इतना परिचय है कि मैं राम का दूत हूं, और कसम भी किसी और की नहीं खाई, किसी और की कसम खाएं मां की पिता की नहीं, क्योंकि राम के यहां काम करते हैं। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, कसम खाए। राम दूत में मात जानकी, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह जो विनम्रता है कि मैं कसम भी किनकी खा रहा हूँ, राम की खा रहा हूँ, यही किसी एम्प्लॉय को अच्छा एम्प्लॉय बनाती है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, कलेक्टर बनूं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है जी, लड़का कलेक्टर हो गया जी। लड़का कलेक्टर छोड़ो, ढंग से इंजीनियर नहीं हुआ, कभी हो गया और बुरी बात, वो भी चार पांच साल पहले। एक दिन मैं घर गया अपने, तो मुझसे बोले भाई हम एक महीने के लिए भारत भ्रमण पे जा रहे हैं। मैंने कहा जी कहाँ जा रहे हैं? उज्जैन जाएंगे, ओंकारेश्वर जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे। तो मैंने कहा जी मुझे बता दीजिए, मैं कुछ नहीं, नहीं नहीं, तुम तो बड़े आदमी हो भाई हवाई जहाज वाले, हम तो मास्टर आदमी हैं, 10-12 मास्टर मिलके जाएंगे, मास्टर मतलब प्रोफेसर्स रिटायर्ड। मैंने कहा जाएंगे? अरे नहीं नहीं हम चले जाएंगे, कोई जरूरत होगी तो हम तुम्हें फोन कर देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं उनकी स्टडी में गया, वहां डायरी पे उन्होंने पूरा शेड्यूल लिख रखा था, दिनांक इतने मई, सायं संध्या 5:30 बजे मसूरी एक्सप्रेस से प्रस्थान। मैंने उसकी फोटो खींची 3-4 पेज की, अपने मैनेजर को दी कि यार बाबूजी माताजी जा रहे हैं, जहां जहां अपने लोगों फोन करा देना। वो हर जगह उनको लोग मिल गए, बाबूजी माताजी माताजी बाबूजी बाबूजी, जैसे तुम लोग लगे हो अम्मा के पीछे, सब लग गए। तो वो एक महीने बाद लौट के आए, तो एक दिन मेरा ड्राइवर बोला कि वो बाबूजी
पिताजी आपकी बहुत तारीफ कर रहे। मैंने करे नीच, तनख्वाह बढ़वानी है सीधे ही कह ले, हमारा बाप और हमारी तारीफ वो सोते में नहीं करें। बोले नहीं नहीं कर रहे थे। मैंने कहा तू झूठ बोल रहा, हो ही नहीं सकता। उन्होंने अद्भुत बात कही है। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि देखो मैं चाहता था लड़का कलेक्टर बन जाए, कलेक्टर नहीं बना, ये कवि बना, प्रेम बांटता है। कलेक्टर बनता तो जिन जिन जिलों में कलेक्टर रहता, 4-5-6 जिलों में, उन्हीं में इसके परिचित होते, प्रेम करने वाले होते। कवि बना, जिस स्टेशन पे उतरे वहीं प्रेमी लोग मिल गए। इसे प्रेम और कलेक्टरी का अंतर कहते हैं। तो हनुमान को कलेक्टर नहीं बनना, हनुमान को प्रेमी बनना है राम का। ऐसी बड़ी विभूति के संकट हरने का काम मिल जाए तो भी बड़ी बात है। इसलिए सीता से उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं वायु का पुत्र हूं, जो इस बच्चे ने पूछा है, साथी ने पूछा है कि उठा के लेके आ सकते थे। नहीं, काम कितना बताया है उतना ही। लड़के को देखने वाले आए तो बाप ने कहा कि बढ़ा चढ़ा के बताना। तो लड़का 12वीं पास था, बोले बेटा क्या करिए, बोले एम ए। हाइट 5 दस थी, बोले हाइट कितनी, बोले 6 फुट 2 इंच। लड़का थोड़ा खांसा तो लड़के का बाप बोला कि बेटा खांसी हो गई, बोले नहीं कैंसर। बड़ा चढ़ा के बताना है, हनुमान को बड़ा चढ़ा के नहीं बताना। मैं पवन का पुत्र हूं, अंजनी का बेटा हूं, बचपन में ही सूरज को खा गया। नहीं नहीं नहीं, एक लाइन का परिचय, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और सीता का भी संकल्प देखिए, हमारी माँ का। कल मुझे किसी ने लिख के भेजा कि साहब बीता जा रहा है दिन, ना सीता पर बोले ना उर्मिला पर, वो बैठी हैं। ये बात सच है। और इस प्रश्न को पूछने वाले मेरे भाई, जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूं, उसमें हमारी माओं का सम्मान है। हनुमान की छोड़ो, अगर विश्व से आतंक का पर्याय रावण को मिटाने की योजना ना होती तो हनुमान छोड़ो, अपने यौवन के समय में पोचा लगाते समय उल्टे हाथ से शिव का पिनाक उठा देने वाली भगवती ही रावण का नाश कर देती, हनुमान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस मेरी माता में इतना साहस था कि घर में झाड़ू लगा रही थी तो भगवान शंकर का धनुष उल्टे हाथ से उठाया और झाड़ू लगा दी। महाराज ने देखा कि अरे ये क्या, तुम उससे भी नहीं हिलता। तब उन्हें लगा कि देवी है। उस दिन उन्होंने संकल्प किया कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसे मैं इस पुत्री का हाथ दे दूंगा। राघवेंद्र आए, विश्वामित्र ने कहा बेटा लेट्स ट्राई। उन्होंने ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाई, वो टूट गया। और उसमें भाई साहब और उनके छोटे वाले, परशुराम ने पूछी कैसे टूटा, बोले इतने क्यों गुस्सा हो रहे हो, बचपन में हमने बहुत सारे तोड़े, देखो और तोड़ लिया। जहां ना फजीता हो वहां लक्ष्मण पैदा करा देते हैं। उनको देख के डर लगता रहता कि अब हुआ झगड़ा, अब हुआ झगड़ा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, वो गुस्सा आया, बोले अच्छा धनु ही है ये। इतनी अद्भुत पराक्रमशीला भगवती, अगर वो ही चाहती तो वो ही नष्ट कर देती, लेकिन नहीं। इसका उद्देश्य ही ये था कि एक बार ये कौतुक हो, राम आए और पृथ्वी से इन अनाचारियों का नाश हो, इसका उद्देश्य ही है। जब अहंकार से भरकर गया रावण और माता से कहा कि देख या तो तू मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा बलपूर्वक, तो प्रसंग आता है कि सीता जी ने जिस चटाई पर बैठी हुई थी उसका एक तृण, एक टुकड़ा तोड़ा और आगे रख दिया और कहा कि मूर्ख तू मुझे उठाएगा, तू इस टुकड़े को पार करके दिखा दे चल। मेरे साथ एक प्रोफेसर साहिबा पढ़ाती थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको नहीं लगता कुमार जी कुछ ज्यादा हो गई। मैंने कहा नहीं, तिनका रख दिया और रावण पार नहीं कर पाया, जो रावण उठा के ले आया वो पार नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं, आपने पढ़ाया ना, तिनके को धरकर तृण धरी ओट कहत वेदेही सुमर अवधपति,
क्या धार्मिक जगह है, सब याद है। सुमिर अवधपति परम स्नेही तिनका रखे का पार। अब जो बात कह रहा हूं वो शायद आपके मन को छुए। माता सीता ने तिनका रखकर कहा कि पार करके दिखा, वो इसलिए नहीं कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये कितना बलशाली है। एक बात आप लोग भूल गए, तिनके को संस्कृत में भूमिज कहते हैं, भूमि से पैदा हुआ, और सीता को संस्कृत में भूमिजा कहते हैं, भूमि से पैदा हुई। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितने अपनी भाई के साथ सुरक्षित अनुभव करती है, इसलिए उसने कहा कि ये तृण धरा हुआ है, ये तिनका धरा हुआ है। तृण धरियोट कहत वे देही, तृण धरियोट कहत वे देही, सुमरि अवधपति परम स्नेही, तृण धरियोट कहत वे देही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। इसमें एक शब्द है, ध्यान से सुनिए, वो है परम स्नेही। ये जो आत्मविश्वास स्त्री के अंदर आता है या पुरुष के अंदर आता है, ये स्नेह के कारण आता है। अगर स्नेह ना हो तो नहीं आता। मुझसे लोग कहते हैं कि शासन कब सुधरेगा, सरकारें कब सुधरेंगी, मैं कहता हूं कि संकट में पड़ने के बाद जिस आस्था और भरोसे के साथ आप अपने घर में रखे हुए छोटे से एक पत्थर के आगे सिर झुका देते हैं कि भगवान बचा लेना, इसी आस्था के साथ जिस दिन भारतीय व्यक्ति न्यायालय में और थाने में जाना शुरू कर देगा कि यहां पहुंच गया तो बच जाऊंगा, उस दिन मानना कि सरकार में रामराज्य चल रहा है, ये असली रामराज्य। इसलिए क्या कहते हैं, परम स्नेही। तृण धरियोट कहत वे देही, तृण धरियोट कहत वे देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, तृण धरियोट कहत वे देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। और ये याद भी दिलाती है कि मूर्ख तुझे इतना पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है। असमान समझू कहत जान की, असमान समझू कहत जान की, खल सुधी नहीं रघुबीर पान की, असमान समझू कहत जान की, खल सुधी नहीं रघुबीर पान की। अच्छा क्यों कहती है कि तुझे रघुवीर के बाण की सुध नहीं है, मुझे अचानक स्मरण आ गया इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इससे कुछ समय पहले ही हनुमान आए थे और हनुमान से जो रावण ने पूछा था कि तू कौन है, तो उन्होंने कहा मैं रघुवीर का बाण हूं। तो सीता कहती है कि अभी तो तेरी लंका जला के गया है, फिर भूल गया, इसलिए कहती है खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। ऐसी सीता है।